बोट के इमोर्टल 700 सीरीज के हेडफोन गाइस। हमारे पास आज के हैं, कल हमने परचेज किए थे Amazon से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे इनके अनबॉक्सिंग, बॉक्स कंटेंट एंड देख लेंगे कि किस टाइप के ये हेडफोन्स हैं। तो अगर आप एक गेमिंग हेडफोन परचेज कर रहे हैं, बजट आपका अराउंड 2500 से 3000 रुपये, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि बॉक्स कंटेंट के हैं, किस टाइप के ये हेडफोन्स आपके लिए होने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी डिले के ये अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। फोकस रहेगा मेनली अनबॉक्सिंग पे, गेमिंग रिव्यू हम देखेंगे कि आपको देंगे या नहीं, डिपेंड कर रहे हैं अनबॉक्सिंग की वीडियो पे। तो देखते हैं गाइस अनबॉक्सिंग। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Amazon ने जो है बोट के बॉक्स में भेजा है प्रोडक्ट, एंड अपने कुछ भी लाइक नहीं यूज़ किया है, कोई भी पैकेजिंग वगैरह Amazon ने यहाँ पे यूज़ नहीं की है। तो इसको हम गाइज ऊपर से निकालते ही आपको यहाँ पे मिलता है प्लग इनटू नर्वाना। तो जो बोट का स्लोगन है वो आपको दिया गया है, एंड अंदर आपको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट की बुकलेट एंड वारंटी डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो हेडफोन्स आपका पूरा पैक है अच्छी तरह से, जो केबल वगैरह है वो इनसाइड दी गई है इसके। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो गाइज प्रोडक्ट की डिटेल्स पे हम आते हैं। तो गाइज अगर हेडफोन्स पे फोकस करें तो काफ़ी बड़े ये हेडफोन्स है, कुशन की क्वालिटी अमेजिंग दी गई है। एंड इवन अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, मैं गेमिंग के लिए इनको यूज़ नहीं करूँगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करूँगा, तो हेडफोन्स दिखने में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी सही दिया गया है। अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक कंट्रोल आपको दिया गया है, हालांकि मेरे पास जेब्रा वाले हेडफोन्स हैं ऑलरेडी 7000 वाले, तो देखते हैं उनके आगे कैसे परफॉर्म करते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी मस्त दी गई। यहाँ पे आपको लाइक पूरा कंट्रोल पैनल दिया गया है इवन वॉल्यूम कंट्रोल के साथ, एंड आप म्यूज़िक वगैरह प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे वायरिंग की क्वालिटी की, तो टेंगल फ्री वायर दिया है, काफ़ी लंबा वायर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि छोटा वायर आपको मिल जाता, करीबन 1 मीटर तो डेफिनेटली ये वायर होगा आपका। अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ मैं, तो ये जो हेडफोन्स हैं आपके वो आते हैं 50mm के ड्राइवर के साथ, एंड उसके अलावा गाइज जो ये माइक्रोफोन अवेलेबल है तो ये आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प देने वाला है। एंड डीनोइस फ्री माइक है, तो डीनोइस फ्री माइक मतलब नॉइस कैंसिलेशन की तरह थोड़ा बहुत वर्क करता हुआ आपको दिख जाएगा। और हेडफोन्स पे कहीं भी कुछ भी बटन्स अवेलेबल नहीं है, बोट का लोगो दोनों साइड दिया गया। तो हेडफोन्स तो मैंने मुझे काफ़ी अच्छे लगे, साउंड क्वालिटी मैं आपको सुना। तो गाइज हेडफोन्स हमने पेयर कर लिए हैं, एंड जो है ईयर पे सेट कर लिए, तो कम्प्लीटली ओन ईयर ये हेडफोन्स हैं, थोड़ा बहुत आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, जो ये लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है डेफिनेटली आपके जो गेमिंग सेटअप है उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से वो जचेगा एंड काफ़ी अच्छा एंड कूल दिखेगा। तो गाइज गेमिंग के लिए हमारे पास पीसी तो है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं होता गेम खेलने का, GTA 5 वगैरह खेला हुआ बट अभी नहीं है, बट हाँ एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी म्यूजिक क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे इनके साउंड की बात करूँ, मैंने सिर्फ 50% वॉल्यूम लेवल यूज़ किया हुआ है, एंड 50% वॉल्यूम लेवल पे भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे साउंड आ रही है। अगर मैं वॉल्यूम को 50 की जगह 100 पे कर दूँ तो वही है लाइक कॉपीराइट की दिक्कत ना हो जाए। तो ओके तो गाइज 50mm के ड्राइवर हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से आपको वर्क करते हुए दिख जाएंगे, एंड म्यूजिक के लिए काफ़ी ठीक ठाक ये हेडफोन्स है, बट मेनली जो पर्पज़ है वो आपका गेमिंग के लिए है। तो हेडफोन लुक वाइज डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी पसंद आई, माइक्रोफोन क्वालिटी भी काफ़ी सही है, तो मैं आप लोग के लिए प्रेफर कर सकता हूँ, बट देख लीजिए आपको परचेज करने हैं बोट इमोर्टल 700 और नॉट। तो इस वीडियो के लिए अनबॉक्सिंग के लिए बस इतना ही गाइज, मेरे ओर से अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।